महामारी की मार से परेशान हुए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ये पॉपुलर एक्टर घर का रेंट भरने में कर रही है मुश्किल का सामना। खुद को बताया बेबस, क्या है पूरी खबर आइए जानते हैं। कोरोना महामारी ने आम जनता से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारों तक की रोजी रोटी पर गहरा प्रभाव डाला है। कई साइड और सपोर्टिंग एक्टर्स समेत सीनियर एक्टर्स को काम के लाले पड़ गए तो कईयों के शो ही बंद हो गए। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्टर संजय गांधी ने भी महामारी की वजह से हुए नुकसान पर अपना दर्द बयां किया है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में संजय गांधी ने बताया कि इंडस्ट्री में काम की कमी है और उन्हें काम की तलाश करनी पड़ रही है। संजय ने कहा, बहुत सारे एक्टर्स घर पर बैठे हैं और बेरोजगार हैं। काम की कमी है और बहुत कम फीस में रोल्स के ऑफर आते हैं। इंडस्ट्री का मूड बहुत लो है। हर रोज मैं किसी न किसी जानने वाले की कोरोना की वजह से निधन की खबर सुनता हूँ। लोग परेशानी में हैं। मैं उनके मदद करना चाहता हूँ पर बेबस हूँ। मैं अमीर नहीं हूँ और आर्थिक हालत उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि जुलाई 2020 में नागिन 4 के बाद मैंने किसी प्रोजेक्ट में एक्टिंग नहीं की है। मैं किराए के घर में रहता हूँ और हर महीने का खर्च होता है। कोई काम नहीं है, ना पैसा है, ना भविष्य का कोई प्लान। संजय ने अपने इंडस्ट्री फ्रेंड से ना मिलने का भी अफसोस जताया। संजय का कहना है कि उनके कुछ दोस्तों को भी कोरोना हो गया, इसलिए काम के लिए बाहर जाना वाकई जोखिम भरा है। उन्होंने कहा, फिलहाल अभी मैं सेहतमंद हूँ, पर कल क्या होगा ये नहीं पता, कोई गारंटी नहीं है। मुझे अपना अपनी सेहत का ख्याल रखना है और घर चलाने के लिए बाहर जाना होगा और वहाँ काम करना होगा जहाँ रिस्क है। करे तो क्या करें। हम उम्मीद करते हैं कि संजय गांधी की परेशानियां जल्द से जल्द खत्म हो जाए और दुनिया को कोविड के कहर से निजात मिल जाए। क्या कहना है आपका इस खबर पर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू डेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।